मेरे मालिक की मैं क्या बात करूं। देश में एक तरफ जहां कम बारिश के कारण कई राज्यों में किसान खेती नहीं कर पा रहे हैं, खरीफ फसलों की बुआई पर असर पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में भारी बारिश ने काफ़ी तबाही मचाई है। कृषि विभाग से सूत्रों के मुताबिक इस जुलाई के तीसरे सप्ताह के अंत में हुई बारिश के कारण महाराष्ट्र में 8 लाख हेक्टेयर में लगी खड़ी फसल बर्बाद हो गई है। हालांकि विभागीय सूत्रों का कहना है कि नुकसान बिखरा हुआ है और कुछ जिलों तक ही सीमित है, जबकि मौसम विभाग ने राज्य भर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने विदर्भ, मराठवाड़ा और उत्तरी महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में अगले 7 दिनों तक भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। वहीं पिछले 7 दिनों से लगातार हो रही बारिश से राहत पाने वाले तटीय कोंकण में एक बार फिर से हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि मुंबई, ठाणे और पालघर में पहले की तरह बारिश का अनुमान लगाया गया है। वही बताते जल भराव के कारण खेत पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं। इसके साथ ही मराठवाड़ा और विदर्भ के कई हिस्सों में मिट्टी कटाव होने की आशंका जताई गई है। महाराष्ट्र में अगर मॉनसून सामान्य रहता है तो अब तक यहां पर 152 लाख हेक्टेयर में बुआई पूरा हो जाने की उम्मीद थी। महाराष्ट्र में मॉनसून तो जून में आया पर बारिश में देरी हुई, इसके कारण लंबे समय तक बुआई के लायक खेत तैयार नहीं हुए थे। इसे देखते हुए कृषि मंत्रालय ने किसानों को चेतावनी देते हुए कहा था कि जब तक पर्याप्त बारिश नहीं हो जाए तब तक किसान बुआई नहीं करें। हालांकि जुलाई के पहले सप्ताह में हुई बारिश के बाद किसानों ने बुआई देर से शुरू की, पर बुआई के बाद हुई बारिश के कारण फसलों को नुकसान हुआ है। वहीं विदर्भ का इलाका महाराष्ट्र में सोयाबीन और कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। यहां पर भी कई जिले भंडारा, गोंदिया, वर्धा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नागपुर, अमरावती, यवतमाल और बुलडाणा बारिश के कारण प्रभावित हुए हैं। मराठवाड़ा में नांदेड़, हिंगोली, लातूर और बीड़ समेत ज्यादा बारिश से प्रभावित जिले हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रशासन को नुकसान का पता लगाने और किसानों के मुआवजे का मूल्यांकन करने के लिए पंचनामा आयोजित करने का निर्देश दिया है। वहीं कृषि केंद्र में फील्ड अधिकारियों के मुताबिक बारिश के कारण कुछ जिलों में गांव से संपर्क टूट गया है, ऐसे गांवों का दौरा करना फिलहाल मुश्किल हो रहा है। उन्होंने बताया कि जैसे ही अगस्त के अंत से लेकर सितंबर की शुरुआत होगी मॉनसून के अधिक फैलने की संभावना है, इसके साथ ही फसल का नुकसान भी अधिक होगा जो 8 लाख हेक्टेयर से अधिक होगा। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में सक्षम बनाने के लिए जिलाधिकारियों का उन मामलों में अधिशेष बीज और उर्वरक का प्रावधान करने का निर्देश दिया गया है जहां किसानों को जुलाई के अंत से पहले हटाने का कार्य करना है। वित्तीय संस्थाओं से कहा गया है कि वे पात्र किसानों को वित्तीय बोझ से निपटने में सक्षम बनाने के लिए बिना देर किए फसल ऋण जारी करें। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।